या आप भी ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हैं? अगर आप करते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे का मेगा टिकट चेकिंग अभियान चल रहा है, जिसके तहत पूर्व मध्य रेलवे के 57 स्टेशन और 378 ट्रेनों में चेकिंग हुई। 14,145 यात्री पकड़े गए। रेलवे ने की 80 लाख से ज्यादा की वसूली। दरअसल पूर्व मध्य रेल द्वारा बिना टिकट या उचित प्राधिकार की यात्रा पर रोकथाम लगाने के लिए लगातार टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्रियों को जुर्माने की राशि देनी पड़ती है। पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 5 मंडलों के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में 24 घंटे का विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस मेगा टिकट चेकिंग अभियान में 57 स्टेशनों और 378 ट्रेनों में टिकट की चेकिंग हुई, जिसमें कुल 14,145 यात्री बिना टिकट या बिना उचित प्राधिकार के पकड़े गए, जिनसे जुर्माने के रूप में 80 लाख से ज्यादा की वसूली की गई। इस अभियान में लगभग 900 TTE, 60 RPF कर्मी और 21 वाणिज्य अधिकारियों को लगाया गया था। पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय से भी 9 अधिकारी और 18 वाणिज्य निरीक्षक को अलग अलग स्टेशनों पर भेजा गया था। बता दें कि पूर्व मध्य रेल के 5 मंडलों में बिना टिकट और बिना उचित प्राधिकार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों की धरपकड़ के लिए लगातार टिकट जांच की जा रही है। रेलवे की ओर से आगे भी इस तरह के मेगा ड्राइव का आयोजन होता रहेगा। इसी दिन हम लोगों ने पूर्व मध्य रेल के 5 डिवीजन में मेगा ड्राइव टिकट चेकिंग का लॉन्च किया था। जिस मेगा ड्राइव में करीब हम लोगों ने 900 रेल कर्मी और अधिकारी शामिल थे और इसमें हम लोगों ने करीब 15,000 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा, जिससे रेल को 80 लाख रुपए का आमदनी फाइन के रूप में हम लोगों ने वसूला। इस मेगा टिकट ड्राइव को हम लोग औचक के रूप में कई बार चलाएंगे और लगातार चलाएंगे, ताकि लोगों को टिकट कटाकर चलने का मैसेज एक देना चाहते हैं वो मिले। बता दें कि रेल से यात्रा करने वाले यात्री कई बार आर्थिक तंगी, लापरवाही या थ्रिल के लिए बिना टिकट यात्रा करते दिखाई देते हैं। ऐसे यात्रियों की वजह से रेलवे को भारी भरकम आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस परिस्थिति में बेटिकट यात्रियों को मजा चखाने के लिए रेलवे गाहे बगाहे मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाती है, और इस दरमियान बड़ी संख्या में बेटिकट यात्री धराए भी जाते हैं। पकड़े जाने पर यात्रियों को जब जुर्माना देना पड़ता है तो उनको एहसास होता है कि इससे बेहतर था कि टिकट खरीद कर सम्मान से यात्रा करते, ताकि ऐसी बेइज्जती और मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। उम्मीद यही कि इस खबर को देखने के बाद रेल में बेटिकट यात्रा करने वाले यात्री सीख लेंगे, सचेत होंगे और टिकट खरीद कर सम्मान के साथ रेल की यात्रा करेंगे। समस्तीपुर से संवाददाता जहांगीर आलम की रिपोर्ट।